Hello friends, welcome to my YouTube channel techtipnow. Friends, today we are going to discuss about string methods again, and this is part 3 of string methods. And basically we are dealing with Python programming. So before I continue with the same concept, so it's my request to you, so ki please aap mere channel ko subscribe zarur kar dein aur like aur share karna bhi na bhule. Now come to the main point, that is string methods of part 3. So isme aaj jo hum baat karne ja rahe hain, basically hum do methods ko dekhenge isme. The first is what your replace method and second is what your find method. So as you know very well, replace or find ka purpose kya hai. Last session mein maine aapko bataya tha, jab when we are talking about strip method, ki basically they are used for removing spaces. To kai dafa string ke beech ka agar space hame remove karna hai, there we cannot use strip method. सो उसका जो अल्टरनेट हमारे पास सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ योर रिप्लेस मेथड. तो वो भी हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस वी कैन यू नो रिमूव स्पेसेस विद इन ए स्ट्रिंग, राइट. नाउ जब हम रिप्लेस मेथड की बात करते हैं, तो एक्चुअली इट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली यू कैन से यूज्ड फॉर रिमूविंग स्पेसिफाइड कैरेक्टर और यू कैन से सब स्ट्रिंग फ्रॉम another one, right? तो basically replace function की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि space की बात करें, आप किसी भी particular character को या किसी particular string को या word को अपने existing string से remove करके उसको replace करके हम या किसी दूसरे string से या किसी दूसरे character से हम क्या कर सकते हैं, उसको replace कर सकते हैं. जल्दी से इसका example देख लेते हैं, उससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा. तो जैसे मैंने Python shell open किया, मैंने यहाँ पे x में लिखा hello How are you, right? अब इसके बाद में जब मैं x को डिस्प्ले कर रहा हूँ, सो दैट इट इज शोइंग वॉट हेलो हाउ आर यू. नाउ अगर मुझे यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल इस h को जो है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर h है, इसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, सपोज कैपिटल h से. सो वॉट कैन आई डू कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सीधे सी स्ट्रिंग डॉट, मैंने लिया रिप्लेस मैथड. अब मैंने ये रिप्लेस मेथड के अंदर जाके बोला कि भाई मैंने रिमूव करना है इस एच को किससे, कैपिटल एच से, सो दैट आई कैन डू दिस. सो अब यहाँ पे मेरा कैपिटल एच, इट्स बिकॉज ऑफ माय कीबोर्ड इट इज़ नॉट वर्किंग. सो व्हाट, यस इट इज़ कमिंग नाउ. सो मैंने ये ले लिया, इसे ब्रैकेट को क्लोज किया. अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर. नाउ यू सी कि यहाँ स्मॉल एच जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं कैपिटल एच में बिकॉज ऑफ दिस वर्ड रिप्लेस फंक्शन. सो दिस इज हाउ व्हाट यू कैन यूज रिप्लेस फंक्शंस. अगर मैं इसे रिप्लेस करना चाहूँ एंड स्पेसेस को अगर मैं डैश से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू. तो मैंने यहाँ पे लिया रिप्लेस, ये मैंने यूज़ किया और इसके अंदर जाके मैंने बोला कि भाई आप जो है स्पेसेस को रिमूव कर दो, किस किस हेल्प से, डैश की हेल्प से. नाउ प्रेस एंटर, यू कैन सी इट इज़ वर्किंग. सो अभी आपके स्पेस की जगह क्या आ रहा है, डैश आ रहा है. दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ वर्ड रिप्लेस. नाउ से फॉर एग्जाम्पल हेलो को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ नमस्ते से, तो मतलब ये हेलो जो मेरा सब स्ट्रिंग है इसको हटा के मैं इसकी जगह नमस्ते यूज करना चाहता हूँ. देन अगेन आई कैन यूज द रिप्लेस फंक्शन. एंड हियर ऑल्सो इफ आई टेक दिस हेलो एज ए सब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू बी और वर्ड टू बी रिमूव्ड, एंड किस से रिमूव करना है, से फॉर एग्जाम्पल नमस्ते से, सो आई कैन डू दिस. ठीक है, मैंने ये ले लिया एंड इसे मैंने क्लोज किया, प्रेस एंटर. नाउ यू सी इंस्टेड ऑफ हेलो इट इज शोइंग व्हाट, अभी आपको क्या दिखा रहा है, ये नमस्ते दिखा रहा है, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज व्हाट रिप्लेस मेथड इन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर रिमूविंग यू नो पर्टिकुलर स्ट्रिंग और पर्टिकुलर कैरेक्टर विथ सम अदर स्ट्रिंग और कैरेक्टर, राइट. सो ये तो बात हो गई हमारे रिप्लेस मैथड की. और सेकेंड जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज पावर पॉइंट में, सॉरी माफ कीजिए, सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं दैट इज फाइंड मैथड. Now what is the purpose of find method? As its name implies, used to find, you can say, the exact position. So I am writing what position of existing character, okay, or you can say substring. What I am telling you, substring within a string, right? तो किसी भी string के अंदर आपको किसी particular character का या substring का अगर आपको position find out करना है, so that time we can use what find. And when we use what find method, it shows, you can say, low
या लोअर यू कैन से व्हाट इंडेक्स वैल्यू, मतलब जो भी स्ट्रिंग का जो पहला पोजीशन मिलता है उस इंडेक्स वैल्यू को ये शो करता है। और जब हम फाइंड मेथड की बात करते हैं तो फाइंड मेथड में एक चीज होती है कि हम वी कैन यूज व्हाट थ्री डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। मतलब बोलने का ये है कि इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। जब हम बात करते हैं फाइंड की तो वी कैन यूज व्हाट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ फाइंड इज व्हाट फाइंड देन स्ट्रिंग टू बी यू कैन से सर्च्ड देन कॉमा स्टार्ट इंडेक्स ओके एंड कॉमा यू कैन से एंड इंडेक्स। यू कैन टेक दिस वन इन द सेंस। इसका बोलने का मतलब ये है कि आप जो है जब किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं उसे आप लेंगे, या कैरेक्टर भी हो सकता है, किस पोजीशन से आप सर्च करवाना शुरू कर चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, और कहां से किसके किसके बीच के इंडेक्स वैल्यू के बीच में सर्चिंग होनी चाहिए, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इफ यू डू नॉट टेक दिस वन इट्स टेक्स इट्स एज ए जीरो, एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप एंड इंडेक्स नहीं लेते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो लेंथ एंड स्ट्रिंग का सबसे लास्ट जो पोजीशन होती है वहां तक, या मतलब सबसे पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ये क्या करता है, चेक करता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे एस की पोजीशन गेन करनी है, सॉरी मैंने पहले एक्स को ले लेता हूँ। नाउ इट इज शोइंग हेलो हाउ आर यू। से फॉर एग्जाम्पल मुझे डब्ल्यू की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, सो इन दैट सिचुएशन अगर मैं लेता हूँ एक्स डॉट फाइंड और मैंने बोला कि आप सिर्फ क्या ले लो W को ले लो एंड प्रेस एंटर। अभी मैंने यहाँ पे एंड स्ट्रिंग और स्टार्ट इंडेक्स दोनों नहीं लिया है, एंड इंडेक्स भी नहीं लिया है, स्टार्ट इंडेक्स भी नहीं लिया है, तो ऑब्वियसली ये जीरो से लेकर एंड तक पूरी स्ट्रिंग को सर्च करेगा। इट विल शो यू व्हाट द एट्थ पोजीशन, यू कैन सी हियर 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो द लो इंडेक्स इज W। सिमिलरली इफ आई टेक एक्स डॉट फाइंड और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाउ, इसको इन्वर्टेड में ले लीजिए या सो मैंने हाउ ले लिया एंड देन यू प्रेस व्हाट एंटर यू सी इट इज शोइंग व्हाट 6। तो हाउ में इसका जो लो इंडेक्स वैल्यू है दैट इज योर 6, सो इट इज शोइंग व्हाट 6। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज व्हाट एक्स डॉट फाइंड। एंड सपोज दैट इफ आई टेक एक्स डॉट फाइंड और यहाँ पे मैंने बोला कि आप सर्च करो हाउ को बट द पोजिशन शुड बी यू नो 6 की जगह मैं अगर 7 ले लेता हूँ तो 7 से लेकर एंड तक चेक करेगा एंड दिखाएगा आपको -1। तो रिमेंबर दिस कि अगर मैचिंग नहीं होती है सर्च अनसक्सेसफुल हो जाता है, इट ऑलवेज डिस्प्ले व्हाट -1 बिकॉज इसने हमने बोला स्टार्ट करो 7 से, तो 7 इज व्हाट योर ओ, सो यहां से फिर अगर सर्च करता है तो उसे हाउ नहीं मिलता है। सिमिलरली यू कैन डू दिस स्टार्ट डॉट फाइंड एंड मैंने यहां पे ले लिया इंडेक्स वैल्यू, सपोज मैंने ले लिया 1 से, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा किसे सर्च करना है, तो मैंने हाउ लिया, मैंने बोला 1 से शर्त करना शुरू करो और कहाँ तक सर्च करो 6 तक, लेट सी व्हाट हैपेंस। स्टार्ट भी दे दिया मैंने एंड भी दे दिया तो अगेन इट इज शोइंग व्हाट -1 राइट। सो इंडेक्स वैल्यू को भी आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से, मतलब स्ट्रिंग के बीच में कहाँ से कहाँ के बीच में आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग की या कैरेक्टर की, दैट यू कैन टेक और यूज विद द हेल्प ऑफ फाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट फाइंड फंक्शन। सो दिस इज समथिंग अबाउट फाइंड फंक्शन एज वेल एज व्हाट रिप्लेस फंक्शन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा इन मेथड्स को कैसे यूज करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।